हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके साथ लेकर आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। आज मैं बना रही हूँ चीज़ पराठा, जो कि बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है खाने में, और इसे आप अपने बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये पराठा जो है। तो चलिए हम इस अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं बनाना। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है, तो अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप गेहूं का आटा, और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप मैदा। जितना हमारा आटा होगा उसका हाफ हम मैदा लेंगे। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1 चम्मच हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, और इसमें फिर हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। और अब हम डालेंगे इसमें हरे धनिया की पत्ती, और इसको हम कर लेंगे मिक्स 1 स्पून के हेल्प से। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम 1 कप में पानी लेंगे, तो यहाँ पर मैंने 1 कप पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करते जाएंगे, और हमें इसका एक डो तैयार करना है चीज़ पराठा बनाने के लिए। थोड़ा सा पानी हम इसमें और ऐड करेंगे, और हमें इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। जो डो रहेगा वो सॉफ्ट रहेगा, हार्ड नहीं रहेगा। इस तरीके से देखिए, मैंने जो डो है वो रेडी कर लिया है। अब हम इसको ढक के रख देंगे साइड में 15 से 20 मिनट के लिए। तब तक हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बॉयल्ड आलू लिया है, एक बड़े साइज का आलू है ये। इसको हम ग्रेट कर लेंगे हम। तो यहाँ पर मैंने ग्रेटर की हेल्प से इसको ग्रेट कर लिया है। अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो आप जो सारी चीज़ों की क्वांटिटी है वो बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ, और अब हम इसमें चीज़ ग्रेट करेंगे। चीज़ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा चीज़ पसंद है तो आप ज़्यादा चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। हमारा जो चीज़ है वो भी ग्रेट हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ। नेक्स्ट इसमें हम हरे धनिया की पत्ती ऐड कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स। आप इसकी जगह लाल मिर्च का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद 1/2 चम्मच नमक, और इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। आप इसमें और भी मसाले ऐड कर सकते हैं, जैसे गरम मसाला पाउडर भी आप इसमें डाल सकते हैं, बट मैंने इसमें नहीं डाला है। और इसमें आप हरी मिर्च भी काट के डाल सकते हैं। मैंने इसलिए नहीं डाली, फिर वो बच्चों को पसंद नहीं आती हरी मिर्च, वो खा नहीं पाते हैं। ये जो हमारा मिक्सचर है वो रेडी हो गया, हमारी स्टफिंग। अब हम अपना जो आटा है उसको चेक कर लेते हैं। इसको हम एक बार और थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे। और इसकी हम अब लोई बनाएंगे इस तरीके से। और हमें ये जो लोई है इसको अब राउंड शेप में रोल करेंगे। पहले हम इसको इस तरीके से घुमाते हुए हम इसको थोड़ा सा फ्लैट करेंगे। अब हम इसमें जो हमारी स्टफिंग है उसको फिल करेंगे। और इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। और हम थोड़ा सा और आटा इस पर डस्ट करेंगे, और इसको रोल कर लेंगे। आप इसको किसी भी शेप में रोल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको राउंड शेप में रोल कर रही हूँ। आप इसको स्क्वायर शेप में भी बना सकते हैं पराठे को, या फिर आप इसको ट्रायंगल शेप में भी बना सकते हैं। तो ये हमारा जो पराठा है वो रेडी हो गया। ये देखिए, आप इस तरीके से बनाना है। बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से हम दूसरा जो पराठा है वो भी रेडी कर लेंगे।
सेम प्रोसीजर से हम इसमें स्टफिंग अपनी फिल करेंगे। और ये जो पराठा है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार। अब हम इसको रोल कर लेंगे। तो हमारा जो पराठा है दूसरा वो भी रेडी हो गया है, इसको हम एक प्लेट में रख लेते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो हम पराठे को सेकेंगे। तो यहाँ पर मैंने तवे को गर्म कर लिया है, अब इसमें हम पराठा जो है वो डाल देंगे। इसको 2 मिनट तक एक साइड से सेक लेंगे। हम इसको टर्न कर लेते हैं। टर्न करने के बाद हम इस पर ऑयल डालेंगे और स्प्रेड कर देंगे। आप इसकी जगह घी या बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम दूसरी साइड भी ऑयल लगा लेंगे। और इसको हम सेक लेंगे पराठे को 1 से 2 मिनट तक दोनों साइड से। हम इसको टर्न कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारा जो पराठा है कितना यमी दिख रहा है। हम इसको निकाल लेते हैं क्योंकि जो हमारा पराठा है वो दोनों साइड से अच्छे अच्छे सिक गया है। इसी तरीके से हम जो दूसरा पराठा है उसको भी सेक लेंगे। हम इसको टर्न कर लेते हैं पराठे को 1 मिनट तक सेकने के बाद। और इस पर हम ऑयल स्प्रेड कर देंगे। और इसको हम मीडियम फ्लेम पर ही सेकेंगे पराठे को, वरना अगर हम हाई फ्लेम पर सेकेंगे तो ये पराठा जल जाएगा और इसका जो टेस्ट है वो बिगड़ जाएगा, खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हम इसको टर्न कर लेते हैं पराठे को। इसको हम 1 मिनट तक और सेकेंगे। ये लीजिए हमारा जो दूसरा पराठा है वो भी रेडी हो गया है। तो हमारा जो चीज़ पराठा है वो एकदम रेडी है बनके, और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये, आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये जो पराठा है। तो आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें ताकि मेरी जो अपकमिंग वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।